टीवी पर अक्सर देखा गया है कि जो कलाकार शुरुआत से पॉजिटिव रोल निभाते रहे हैं वो हर सीरियल में पॉजिटिव किरदार में ही नजर आते हैं। लेकिन टीवी के ही कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जिन्होंने विलन ना होकर भी विलन की ऐसी दमदार एक्टिंग की कि उनके सामने सीरियल के हीरो हीरोइन भी फीके पड़ गए। अब कौन है इस लिस्ट में शामिल ये भी सुनिए जरा। हिना खान। एक्ट्रेस हिना खान ने कसौटी जिंदगी की 2 में कोमोलिका का किरदार अदा किया। उनकी एंट्री का बेसब्री से ऑडियंस को इंतजार रहता था और दौर उनके सामने प्रेरणा और अनुराग भी फीके पड़ गए थे। अनीता हसनंदानी। टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक्ट्रेस ने ये है मोहब्बते में ग्रे शेड निभाया था जिसे खूब पसंद किया गया। जेनिफर विंगेट। जेनिफर विंगेट को ज्यादातर भोले भाले किरदारों में देखा जाता था लेकिन जब उन्होंने माया बनकर बेहद में एंट्री की तो उन्हें देखकर फैंस भी हैरान रह गए थे। अपने अंदाज से उन्होंने टीवी पर खूब धमाल मचाया था और इसी वजह से इस शो का सीजन 2 भी आया। हेलिशा। हेलिशा एक बेहतरीन एक्ट्रेस है और वो हीरोइन के साथ साथ विलेन का किरदार निभाकर खूब पॉपुलैरिटी बटोर चुकी है। इस बात का सबूत उनके सूफियाना प्यार मेरा सीरियल में देखने को मिला था जब उन्होंने कायनात बनकर एंट्री की थी। उन्हें इस किरदार के लिए गोल्ड अवार्ड भी मिला था। अदा खान। अदा खान ने नागिन में पॉजिटिव किरदार से एंट्री की थी लेकिन बाद में उनके कैरेक्टर ने ग्रे शेड अपना लिया जिसे देखकर खुद उनके फैंस भी हैरान रह गए थे। उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव रोल में भी खूब अच्छा निभा सकते हैं। तेजस्वी प्रकाश। एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा जाता है लेकिन सीरियल स्वराग्नि में उन्होंने ग्रे शेड निभाया था जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया था। बल तो देखा ना आपने कि टीवी की इन बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने किस तरह से शो में नेगेटिव रोल निभाया और उनके निभाए गए किरदार को इतना पसंद किया गया कि जो शो में लीड रोल निभा रहे थे उन स्टार्स पर भी विलन का किरदार भारी पड़ गया और आज इन एक्ट्रेसेस की गिनती टीवी के टॉप विलन की लिस्ट में होती है।